दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के वायरिंग के बारे में सीखे थे। इस वीडियो में आपको हम वही चीज़ को बताएंगे डायग्राम के द्वारा, ठीक है, कि डायग्राम में किस तरह से ट्रांसफार्मर से कैपेसिटर डायोड कनेक्ट होता है। तो अगर उसमें आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिनको नहीं समझ में आया है वो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि उनको 100% समझ में आ जाए कैपेसिटर डायोड और मैग्नेट वगैरह जो कनेक्शन होता है वो आपका किस तरह से होता है। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे एक पीसीबी लगा रहता है, पीसीबी में से दो तार आपका निकलता है, तो दोनों तार जो है जाता है ट्रांसफार्मर पे, प्राइमरी वाइंडिंग पे। ठीक है, देखिए ये आपका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग, दो वाइंडिंग, तीन वाइंडिंग होता है। जो पहला वाइंडिंग होता है ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग होता है, इसमें आपका 220 वोल्ट इनपुट जाता है, मतलब इन होता है, 220 वोल्ट इन होता है। ठीक है, नीचे वाला में, और उसके बाद बीच वाला से दो तार निकलेगा आपका, उसके बाद ऊपर से जो है ना यहाँ से मेन 2000 वोल्ट निकलता है, यहाँ जो कनेक्शन होता है उससे 2000 वोल्ट निकलता है जो जाता है कैपेसिटर के ऊपर में। तो आपको हम दिखाते हैं किस तरह से होता है डायग्राम के द्वारा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक आएगा लाइन, एक यहाँ पे लाइन आ गया, 220 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई आ गया, यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई चलाया पीसीबी से, पीसीबी सर्किट बोर्ड यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से दो तार निकला और चलाया ट्रांसफार्मर पे। अगर आपके पास सामने माइक्रोवेव है तो आप देख सकते हैं उसमें इस तरह से आपका ट्रांसफार्मर के ऊपर में इनपुट आया हुआ। उसके बाद अब ट्रांसफार्मर से आउटपुट जाएगा, तो आउटपुट के लिए देखिए ये जो वाइंडिंग है इससे एक तार निकलता है तो जाता है यहाँ पर, और जो दूसरा तार निकलता है आपका देखिए वो भी जाएगा वहीं पर, दो तार निकला दोनों चला गया वहीं पर। अब ये दोनों का काम खत्म हो गया। अब इस कनेक्शन जो हाई वोल्टेज कनेक्शन होता है उसका जो कनेक्शन है जाता है सीधा यहाँ कैपेसिटर के एक टर्मिनल पे, यहाँ से जो है इस फ्यूज के द्वारा, जो फ्यूज है इस फ्यूज के द्वारा, हाई वोल्टेज फ्यूज होता है यहाँ पे लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, कि कभी अगर कैपेसिटर आपका खराब हो जाता है तो कैपेसिटर खराब होने पे ट्रांसफार्मर से धुआं नहीं देता है। अगर ये खराब हो गया है ठीक है तो क्या होता है कि ये फ्यूज उड़ जाएगा आपका हाई एम्पियर लेके, तो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर से कनेक्शन कट जाता है और आपका ट्रांसफार्मर से धुआं नहीं निकलता। अगर इस कैपेसिटर के बीच में फ्यूज लगा हुआ नहीं है, जिस माइक्रोवेव में उसमें अगर कैपेसिटर उड़ता है या खराब होता है तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर भी धुआं तो कभी कभी देने लगता है। तो इस फ्यूज को इसीलिए लगाया गया है ताकि ट्रांसफार्मर को बचाया जा सके। अगर किसी केस में ट्रांसफार्मर धुआं दे रहा है तो पहले कैपेसिटर को चेंज कीजिए, कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी अगर ट्रांसफार्मर धुआं दे रहा है तो उस कंडीशन में आप ट्रांसफार्मर को चेंज कर दीजिए। क्योंकि हम देखे हैं बहुत सारा केस में इस फ्यूज को क्या किया हम लोग, कि डायरेक्ट कर दिए, मोटा वाला तार जोड़ दिए इसमें फ्यूज को डायरेक्ट करके, और डायरेक्ट करने के बाद फिर चलाएं तो देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर से धुआं निकलने लग रहा है, क्योंकि फ्यूज उड़ नहीं रहा है ना, हाई एम्पियर ले रहा है तो फ्यूज उड़ नहीं रहा, क्योंकि तार से यहाँ पे मोटा लगा दिए थे, मोटा कनेक्शन कर दिए थे तार का, क्योंकि फ्यूज में पतला तार होता है वो आपका 10 एम्पियर तक बर्दाश्त करता है, हम मोटा तार लगा दिए थे 15-20 एम्पियर तक भी वो फ्यूज नहीं कट रहा था, तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर से धुआं दे रहा था, तो उस कंडीशन में हम जो है कैपेसिटर को चेंज करवा दिए थे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो इसीलिए अगर धुआं दे तो पहले कैपेसिटर को चेंज करके देखिए, अगर नहीं होता तो फिर ट्रांसफार्मर को चेंज कीजिएगा। तो यहाँ से चला गया हाई वोल्टेज आपका इस कैपेसिटर पे, सिर्फ ट्रांसफार्मर से जो तार निकलेगा एक ही तार जाएगा यहाँ पर, कैपेसिटर के एक टर्मिनल पे ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट कनेक्शन जाता है, बस उसका कहानी वही तक है। उसके बाद अगला जो कनेक्शन होगा डायोड, ठीक है, डायोड एक बॉडी में यहाँ लगा रहेगा और एक जाएगा कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल पे यहाँ पर, और फिर यहाँ से एक कनेक्शन निकलेगा और जाएगा यहाँ पे, मतलब ये जो यहाँ से ट्रांसफार्मर से तार निकला है ठीक है, ये आपस में जॉइंट हो जाएगा इसको, और यहाँ से जो तार निकला है ये तार, ठीक है, ये दोनों तार को आप कहीं भी ज्वाइंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ज्वाइंट रहे या यहीं पे जो, या फिर इस तार को यहीं पे लाकर ज्वाइंट करके एक तार को यहाँ पे लेके जाइए, या एक तार यहाँ से लेके जाइए, एक तार यहाँ से लेके जाइए, यहाँ पे ज्वाइंट कर दीजिए, मतलब ये दोनों तार आपस में हमेशा ज्वाइंट रहता है, अलग अलग माइक्रोवेव में अलग अलग कनेक्शन रहता है, किसी माइक्रोवेव में एक तार यहाँ से आता है एक तार यहाँ जाता है, ठीक है, किसी माइक्रोवेव में बीच में जो है एक थिम्बल लगा देगा जो जाएगा कैपेसिटर के ऊपर में और उसी से कनेक्ट जाता है। यहाँ पे दो तार आना है, एक कैपेसिटर से एक आपका इस वाइंडिंग से, यहाँ से आपका 5 वोल्ट सप्लाई आता है। इसके बाद देखिए आपको बता देते हैं ट्रांसफार्मर, देखिए आपका ये ट्रांसफार्मर में देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको दो तार आया हुआ है ना, एक तार यहाँ ट्रांसफार्मर से आया है जो 5 वोल्ट सप्लाई देता है वो तार है, एक तार इधर से निकला हुआ है, दोनों तार डायरेक्ट आ गया है, और देखिए कैपेसिटर से जो तार आया है यहाँ पे डायोड लगा हुआ है आपका, और ये तार जो है ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज वाला तार जो है यहाँ पे अकेले लगा हुआ है, देखिए है ना, तो ये तार, इस तार को आप यहाँ पे जोड़ना है,
ठीक है, इस तार को भी वहां पे जोड़ना है, अब दोनों को वहां पे जोड़ना है, तो इसको यहां पे जोड़ दीजिए या इसको यहां पे जोड़ दीजिए, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा ही जाएगा, क्योंकि दोनों यहां पे जोड़िए या यहां पे जोड़िए, जोड़ना है, ठीक है। यहां पे देखिए इनपुट में 220 वोल्ट इन आता है यहां पे, ये आपका ट्रांसफार्मर का हो गया हाई वोल्टेज जो सप्लाई देता है, यहां से आपका ये वाइंडिंग है जो तार निकलता है जाता है मैग्नेट्रॉन पे। इसके बाद देखिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है आपका 220 वोल्ट के लिए यहां पे जो आता है। तो आशा करता है दोस्तों कि वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, वीडियो आपको समझ में आ गया कनेक्शन कैसे कहता है माइक्रोवेव का, कैपेसिटर डायोड का। अब लाइफ में कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आशा करते हैं। अगर हमारा कहना सही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, क्योंकि अभी माइक्रोवेव का और भी वीडियो आने वाला है, हर एक पार्ट के बारे में बताएंगे। माइक्रोवेव में ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा जो बच जाएगा, हर एक पार्ट के बारे में बताएंगे आपको, फ्यूज के बारे में बताएंगे, डोर स्विच होता है उसके बारे में बताएंगे आपको, थर्मोस्टेट के बारे में बताएंगे, उसका जो अंदर मोटर घूमता है उसके बारे में बताएंगे, उसके वायरिंग के बारे में बताएंगे आपको हम, कैसे माइक्रोवेव में वायरिंग रहता है, कनेक्शन कहाँ से कहाँ जाता है, कौन सा रिले से कन्वेक्शन, कौन सा रिले से ग्रिल, कौन सा रिले से आपका माइक्रोवेव चलता है, सारा चीज़ बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल में चला जाए और उससे आप बहुत कुछ सीख सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।